नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टुडे ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, RSMSSB ने आपका जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें क्या बताया गया। देखिए, जो आपका स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है उसका सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है। ऑफिशियली सिलेबस आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, अपने वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे का बटन आपको दिखाई देगा, उसको जरूर से दबा लें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर जॉइंट एग्जामिनेशन 2018। देखिए, यहाँ पे आपको दो सिलेबस बताए गए हैं, एक जो आपका फेज फर्स्ट का और इसमें फेज सेकेंड का भी आपको बताया गया है, यानी पहले प्रश्न पत्र के लिए और प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपका सामान्य ज्ञान और राजस्थान सामान्य ज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आपको बताए गए हैं। दैनिक विज्ञान का यहाँ से आप देख सकते हैं, दैनिक विज्ञान में आपसे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपके तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु और अधातु के बारे में, अम्ल, क्षार, लवण, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख लेना यहाँ पे। और यहाँ से देखिए, पेपर का जो आपका पैटर्न है किस प्रकार से रहेगा, इसमें बताया गया है अधिकतम जो पूर्णांक आपके 100 रहेंगे, इसमें प्रश्नों की जो आपकी संख्या है वो 150 रहेगी और प्रश्नों की अवधि यहाँ पे 3 घंटे का आपको जो है टाइम मिलेगा इसके लिए। और यहाँ से देखिए, सभी प्रश्न के जो अंक हैं समान होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, किसी प्रश्न के लिए यदि आप जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए, और सेकंड इसमें देखिए, प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का आपका सेकंड पेपर होगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है हिंदी का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इसमें आपके संधि विच्छेद, समास, भेद, आपके उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, यहाँ पे ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार के आप जो है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, पत्र लेखन, इसमें आपसे पूछा जाएगा। और यह आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके इंग्लिश के सभी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपके नरेशन, वॉइस, टेंस, यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे सिनोनियम, एंटोनियम, तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेटर राइटिंग, तो ये क्वेश्चन आपके टॉपिक आने वाले हैं। यहाँ पे भी आपका जो सेकंड पेपर है वो भी यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है। और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 150 रहेगी, जिसमें आपकी जो है हिंदी के 75% और अंग्रेजी के भी आपके 75% रहने वाले हैं। प्रश्न पत्र की जो आपकी अवधि है वो 3 घंटे की होगी, इसमें आपकी जो है यहाँ पे भी आपकी 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ से आप देख लेना, आपका पूरे सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको जो है टाइप करनी है, rsmssb.nic.in के ऊपर जाके आप जो है ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए ये आपका सिलेबस है। तो यदि आपका अब भी कोई डाउट है इसे रिलेटेड तो आप जो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उस घंटी को भी दबा लेना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिलती है और उसकी ऑनलाइन तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।